आईपीओ का शेयर है, इसलिए मैं सीधा विवेक जी आपके पास ही आ रहा हूँ। इरडा इन्होंने लिया है, अच्छा लिया क्या, इनको तो मिला है, और ये लकी वन है जिनको मिला है। 133 शेयर इनके पास हैं, 67 का खरीदा हुआ शेयर है, 104 आ गया है सर। इन्हीं 133 शेयर से इन्होंने 5,000 रुपये कमा लिए हैं। जरा दे आप बताइए सर क्या करना चाहिए। अभी हाल की ही लिस्टिंग है, सरकारी एनर्जी से जुड़ी हुई है। इरडा की अगर बात करें तो हमने पहले भी बात की है, जब ये करीबन 115 120 चल रहा था तब भी मेरा ये विचार था कि स्टॉक बहुत चल चुका है और अगले कुछ महीने जब तक ये इलेक्शन वगैरह खत्म नहीं हो जाए, कोई कोई जरूरी नहीं है कि बड़े प्रोजेक्ट्स और यहाँ से और अनाउंसमेंट आए। तो स्टॉक इतना चलने के बाद मुझे अभी भी कॉस्टली लग रहा है, इनफैक्ट बहुत वैल्यूएशन वाइज काफी कॉस्टली है ये। तो फिलहाल तो मैं क्योंकि इतना ऑलरेडी गिर गया है 120 से, हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करे कल परसों, जब भी ये रिकवरी दिखाए आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो मुनाफा लेके घर जाओ, वही बेटर आइडिया रहेगा। इसका असली भाव और वैल्यूएशन में कंफर्टेबल रहूंगा करीबन 90 रुपए पे, तो अगर ये 90 रुपए आते तो फिर वापस बात कर सकते हैं, वहां पे लेने की सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉस्टली लग रहा है। रितेश मल्होत्रा जी के पास जियो फाइनेंशियल्स के शेयर हैं, 234 का रेट है, इनका खरीद का भाव 240 है, यानी कि इनको डी मर्ज होकर नहीं मिला था, क्योंकि डी मर्ज का रेट था 262 का, तो 240 पर उन्होंने ख़रीदा है, तो अभी तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, 100 शेयर है। सर मैं दोनों क्वेश्चन ओपन कर देता हूँ आपके लिए विवेक जी। एक तो मैं चाहता हूँ कि वॉल्यूम बढ़ाएं, ये 100 शेयर से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाना होगा, तो आप इसकी अनुमति देते हो 234 के रेट पर? दूसरा, ये होल्ड करेंगे सर 1-1.5 साल 2 साल होल्ड करेंगे, तो आप इसकी अनुमति देते हो, ये भी बताओ सर। डिम्पी जी, अब डिस्क्लोजर पहले ही मैं बता देता हूँ कि एक तो मेरे पर्सनल होल्डिंग में है ये स्टॉक, और दूसरा ये मैं आज के वीआईपी सेगमेंट में बोलने वाला था, इनफैक्ट सुबह भी बात किया था, और अभी जब आप कार्यक्रम के अंत में पूछोगे तो ये मेरा पिक था, वन ऑफ द पिक्स, तो ये पहले ही आ गया। देखिए, जियो फाइनेंस आपको होल्ड करना चाहिए, इनफैक्ट अगर आप सोच रहे हो कि 1 या 2 साल के लिए आप उसको रख सकते हो अपने पास, तो मेरे हिसाब से आपको नई खरीदारी भी कर सकते हो। अब कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में हो रहा है कि एक तो ब्लैक रॉक्स के साथ उन्होंने पूरा करार किया है, तो काफी बड़े तरीके से एएमसी आएगा आगे चल के, इंश्योरेंस में ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लेंडिंग काम होना है, जो मुख्य काम है कंपनी का लेंडिंग वाला, वो ऑलरेडी चालू हो चुका है, और इनके पास डेटाबेस इतना बड़ा है कि करीबन 44 करोड़ 45 करोड़ इनके पास डेटाबेस है जियो सब्सक्राइबर्स का, इनके पास करीबन 24-25 करोड़ डेटाबेस है जो रिलायंस रिटेल कस्टमर्स है, तो ये बेस बहुत बड़ा है। देखिए, बजाज फाइनेंस ने एक जमाने में क्या किया था, सारे जितने भी व्हाइट गुड्स स्टोर्स है वहां पे उन्होंने कियोस्क लगाए थे और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स दिए थे। अब रिलायंस डिजिटल भी और रिलायंस स्मार्ट पॉइंट्स, यहाँ पे भी आपको आगे चल के दिखेगा कि जियो काफी अग्रेसिवली काम कर रहा है, तो बाई भी कर सकते हो, ये तो मेरे मेरे हिसाब से बाई रहेगा, और आप 300 तो टारगेट इस पे आराम से रख सकते हो।